ओके सो हे गाइस, वास्ता वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल हमने लिख के आप समझ ही गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करने वाला हूँ, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, वीडियो हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस, पहले तो अपने इस मॉडल का जो है बैकग्राउंड इरेज करेंगे। तो इसको पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्रॉप कर लेता हूँ, एंड उसके बाद इतना एरिया चाहिए मेरे को, इतना इरेज करना है। तो उसको इरेज करने के लिए ले जाएंगे हम ऐसे ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद आपको जो गाइस इरेजर की जो सेटिंग है वो आप कैसी रखनी है मैं आपसे भी बता देता हूँ। लेयर को पहले आप ऊपर कर लेना है, एंड उसके बाद इरेजर पर क्लिक करके, एंड इसके जो ये वाला ऑप्शन है इस पर जाके, ठीक है। तो इसकी जो पहले हार्डनेस है इसको आपको 90 तक रख लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सबको फ्री का करना है, आप सबको यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो अपने हिसाब से रख लेना है। एंड यहाँ पे फोटो को जूम करना है, एंड अच्छे तरीके से एकदम फटाफट से इरेज कर लेना है, ठीक है। मतलब फटाफट से, मतलब कि ये गाइस कि मतलब मैंने तो यहाँ पे वीडियो को फास्ट कर रखा है, ठीक है। एंड आपको जो है मतलब एकदम आराम आराम से एकदम टाइम दे के अच्छे से बैकग्राउंड को इरेज करना है, ठीक है। इस चीज़ से कि क्या होगा कि मतलब कि आपकी फ़ोटो जो अच्छी इरेज होगी तो अच्छे से ऐड हो पाएगी उसमें बैकग्राउंड में, ठीक है। तो बाकी गाइस, अगर जिसको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता, तो मैंने गाइस उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 वीडियो के लिंक दे रखी है, वो भाई जाके उस वीडियो को वॉच कर लेना, आपको इजीली उससे हेल्प मिल जाएगी। तो गाइस चलिए बढ़ते वीडियो की तरफ। तो गाइस, जब ये इरेज हो जाएगा तो उसके बाद आपसे को फिर क्या करना है, आप सबको यहाँ पे गाइस इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो ये गाइस बिल्कुल HD में कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इजीली डाउनलोड कर लेना। एंड उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, अभी जो हमने मॉडल का बैकग्राउंड इरेज किया था हम उसको सिंपली ले लेंगे यहाँ पे। एंड इसको लेने के बाद गाइस, आप सबको फिर क्या करना है, आपसे कुछ इस टाइप से यहाँ पे देखना है कि गाइस आप कहाँ पे फिट हो पा रहे हो, ठीक है। मतलब कि गाइस आपको एकदम अच्छे तरीके से हाइट वाइज एकदम इस तरीके से रखना है कि मतलब कि आपको लगना चाहिए कि हैंड भी जो है सल्लू भाई के ऊपर ही है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से रखना है। एंड उसके बाद आपको जो ओपेसिटी है इसकी कम कर लेना है, क्योंकि ओपेसिटी कम करोगे तो गाइस इरेज करने में काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपसे फिर क्या करना है, आपसे यहाँ से चले जाना है इरेजर टूल में। जब आपसे फोटो को कैसे ऐड कर लोगे, आपका जो मतलब लगेगा फिक्स है यहाँ पे इतना, तो उसको इरेजर टूल में जाना है, इसकी हार्डनेस को फुल कर लेना है। एंड उसके बाद फोटो को जूम करना है, एंड कुछ इस टाइप से साइड साइड का जो एरिया है कुछ इस टाइप से इरेज कर लेना है, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला एरिया है, जैसे कि मतलब यहाँ पे जो एक बंदा बैठा हुआ है कोई, तो जैसे कि ये वाला एरिया होगा, आपको पहले ये इरेज कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दूसरा एरिया कौन सा इरेज करना है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो पहले हम इसको अच्छे से इरेज कर लेते हैं, एंड गाइस इरेज कर लेते हैं, नहीं तो अच्छी तरीके से एडिट करना। एंड एडिट करोगे तो यार अपने भाई को इंस्टाग्राम पे टैग जरूर करना, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने, तो टैग करना मत भूलना, तो टैग जरूर करना, ठीक है। क्योंकि भाई काफ़ी भाई मेरे को टैग करते हैं, एंड काफ़ी भाई नहीं करते हैं, तो गाइस आप लोग टैग किया करो। एंड मैं जो जिनकी एडिटिंग मेरे को अच्छी लगती है उनको गाइस अपनी स्टोरी में मेंशन भी करता हूँ, तो आप लोग टैग जरूर किया करो, ठीक है। तो बाकी इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चाहो तो वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो मेरे को इंस्टाग्राम में, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो गाइस यहाँ पे जब आप इतना इरेज कर लेंगे, तो उसके बाद थोड़ा सा एरिया यहाँ पे रह गया, हम इसको भी अच्छे तरीके से इरेज कर लेते हैं। तो गाइस ये हमने यहाँ पे पूरा परफेक्ट तरीके से इरेज कर लिया है। बट गाइस अभी हमें यहाँ पे शेडो भी बनानी है, बट शेडो हमें कैसे बनानी है वो भी मैं आप सभी को इसी वीडियो में बता देता हूँ। आप सभी को गाइस ये ब्लैक कलर का PNG लेना है, एंड इस PNG को गाइस आप सभी को कुछ इस टाइप से अपने हैंड के पास रखना है। एंड उसके बाद आप सभी को इसको इन्वर्ट कर देना है, एंड ब्रश का जो साइज़ आपको अपने अकॉर्डिंग रख लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पे फिर क्या करना है, आप सभी को थोड़ा मतलब कि इसका जो ये हार्डनेस है इसको, और ओपेसिटी एंड हार्डनेस है जो, इसको कम कर लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को फोटो को जूम करना है, एंड कुछ इस टाइप से यहाँ पे शेडो को जो है क्रिएट करना है, ठीक है। एंड गाइस अभी तो आप सभी को लग रहा होगा यार जो हमारी शेडो जो है ये हमारी ऊपर की तरफ हैंड के पास भी दिख रही है, बट गाइस इसको क्या करना है, आपको रिजल्ट का जो ऊपर ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर जाना है, इसको मूव टू डाउन कर देना है, कुछ स्टेप्स आपकी शेडो हो जाएगी। बट गाइस यहाँ पे हम इसकी थोड़े से साइज़ को बढ़ा लेते हैं, एंड देखिए गाइस एकदम रियलिस्टिक शेडो हमारे यहाँ बन चुकी है। एंड चाहो तो आप इसकी ओपोसिटी यहाँ पे कम भी कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद आप इसको यहाँ पे डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आपको एक शेडो की जरूरत और पड़ेगी, तो दोबारा से आपको उसी PNG को ले लेना है। एंड उसके बाद आप सबको सेम साइज़ में वैसे ही रख देना है, एंड इसकी ओपोसिटी यहाँ पे कम कर लेना है, रिजल्ट में जाकर इन्वर्ट कर देना है। फिर ब्रश को लेना है, एंड साइज़ को छोटा कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे चाहो तो गाइस आप इसकी हार्डनेस ओपोसिटी भी कम कर सकते हो, तो इसको मैं यहाँ पे हार्डनेस ओपोसिटी कम कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ओपेसिटी कम करेंगे यहाँ पे हम थोड़ा, एंड हार्डनेस भी। एंड उसके बाद गाइस जहाँ जहाँ पे शेडो चाहिए हम कुछ इस टाइप से एक बारी पेंट करेंगे, ठीक है। एंड गाइस मैं आप सभी को बता दूँ, जहाँ पे भी आपको शेडो चाहिए वहाँ पे सिर्फ एक बारी पेंट करना, एक बार से ज़्यादा बार पेंट मत करना, नहीं तो यार उस जगह पे शेडो डार्क हो जाएगी, एंड शेडो अगर कहीं डार्क हो गई और कहीं हल्की हो गई तो यार फिर ऐसे ना फोटो नकली सी लगेगी। तो गाइस देखिए यहाँ पे शेडो भी हमारी बन चुकी है, तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं डन। अब गाइस आप सभी को एक PNG दे दूंगा मैं गाइस ये विग्नेट का, आप सभी को क्या करना है, आप सभी को कुछ इस टाइप से लेना है, एंड इसको यहाँ पे फुल स्क्रीन करके कुछ इस टाइप से ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी फोटो काफ़ी अमेजिंग हो चुकी है। अब क्या करना है गाइस, जिसमें आप हमें थोड़ा सा इसका जो है कलर बैलेंस करना है। तो गाइस ये क्या होगा कि हमारे जो दोनों मॉडल है इसके फेस को मैच कराना है। तो क्या करेंगे, हम टूल्स में जाएंगे, एडजस्ट में जाएंगे, फिर जो सैचुरेशन में जाएंगे, एंड इसका जो गाइस अमाउंट होगा ना इसको रखेंगे हम -9 तक, ठीक है। तो जो गाइस जितने भी मॉडल होंगे ना उसमें सबके सैचुरेशन जो है सेम हो जाएंगे, ठीक है, सैचुरेशन से।
तो उसके बाद आपको इस फोटो को सेव कर लेना है, इसको लेके चलना है यहाँ पे लाइटरूम ऐप में। लाइटरूम ऐप में ले जाने के बाद गाइस आपको चले जाना है इस लाइट वाले ऑप्शन में। इस लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप इसको इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है, हाईलाइट है जो इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, एंड जो इसका शेडो है इसको इंक्रीज़ कर देना है, एंड जो गाइस वाइट है इसको थोड़ा कम कर देना है, एंड जो ब्लैक है गाइस इसको भी थोड़ा कम कर देना है। फिर चले जाना आपको उसे गाइस कलर्स वाले ऑप्शन में, फोटो की जो वाइब्रेशन होगी गाइस आपको उसको बढ़ा देना है, एंड जो फोटो में टेम्परेचर है इसको माइनस कर देना है। फिर चले जाना आपको कलर मिक्स में ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको जो इसका सेचुरेशन माइनस कर देना है, एंड जो इसका ल्यूमिनस होगा गाइस अब इसको बढ़ा देना है, ठीक है, अपने फेस के अकॉर्डिंग आपको जितना फेस में मतलब ग्लो चाहिए हो। फिर उसके बाद आपको येलो कलर में जो इसका जो गाइस ह्यू होगा इसको माइनस कर देना है, एंड जो इसका सेचुरेशन होगा इसको प्लस कर देना है। फिर उसके बाद गाइस आपको जाना डार्क ब्लू में, इसका जो गाइस आपको ह्यू होगा इसको माइनस कर देना है, एंड जो इसका सेचुरेशन होगा इसको प्लस कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको कर देना है डन, एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना, आपको स्क्रॉल करना, आपको नीचे ले कि टूल में जाना है, फोटो की जो क्लियरिटी होगी आपको उसको बढ़ा देना है, एंड जो फोटो में वीग्रेट होगा गाइस आपको वो डाल देना है। फिर उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करोगे आपको ग्रेन अमाउंट मिल जाएगा गाइस, आपको उसको बढ़ा देना है, एंड चले जाना इसके नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है, एंड जो गाइस नॉइज रिडक्शन होगा आपको उसको बढ़ा देना है, एंड नीचे स्क्रॉल करोगे आपको कलर नॉइज रिडक्शन मिलेगा आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियो आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।